बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकॉनमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, टैलेंटेड इंडिया पर आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील, जी हां, टैलेंटेड इंडिया को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। जी हां, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े तबके में जश्न मन रहा है क्योंकि गैंगस्टर विकास दुबे को मौत के घाट उतार दिया गया है। हमें यह बतलाया गया कि गाड़ी पलटती है और विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और उसी अफरा तफरी में उसे गोली मार दी जाती है। आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी प्रशासन इन सवालों का जवाब दे। मगर कुछ लोग जो इसे इंसाफ बता रहे हैं ना, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा, यह इंसाफ नहीं है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिशोध भी नहीं है जो उन्होंने अपने उन 8 पुलिस कर्मियों की मौत के बदले में लिया। नहीं, यह सिर्फ मुद्दे को भटकाना है, यह सिर्फ एक कवर अप है, यानी कि पर्दादारी। और क्यों मैं आपको बता रहा हूं, पर्दादारी इसलिए है क्योंकि विकास दुबे क्यों बना, विकास दुबे इतना ताकतवर क्यों बना कि उसने हमारे 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि उसे संरक्षण मिल रहा था नौकरशाहों का, उसे संरक्षण मिल रहा था पुलिस वालों का, क्योंकि उनके खजांची अनंत देव तिवारी जैसे इन्फ्लुएंशियल पुलिस ऑफिसर्स के साथ आसानी से फोटो खिंचवाते थे, क्योंकि उनके खजांची जय वाजपेयी इन्फ्लुएंशियल नौकरशाहों के साथ सेल्फी खिंचवाते थे। और ये विकास दुबे जो कि यह दावा करता था कि उसके भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के साथ रिश्ते हैं, उनके लिए वोट हासिल करने का यह काम करता है, आज विकास दुबे को जो एनकाउंटर में मार दिया गया है, उस बहुत बड़े राज पर पर्दादारी हो गई है। अब वो राज सामने नहीं उभर कर आ पाएगा कि दरअसल विकास दुबे के लिंक्स किन पॉलिटिशियंस के साथ थे। और मैं एक और सवाल करता हूं, कल भारतीय जनता पार्टी नेता तमाम न्यूज चैनल्स पर चीख चीख कर कह रहे थे कि विकास दुबे के समाजवादी पार्टी के साथ लिंक्स हैं, विकास दुबे के बहुजन समाज पार्टी के साथ लिंक्स हैं, तो बहुत जरूरी था कि शख्स को जिंदा रखा जाता कि उसके बसपा के साथ क्या लिंक्स हैं या समाजवादी पार्टी के साथ क्या लिंक्स हैं, वो सामने आते, तो फिर इस कदर वो क्यों मारा गया? किस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी सरकार को, किस बात की पर्दादारी है, क्या छुपाया जा रहा है? मगर सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा और इनका जवाब नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आप देख सकते हैं, चेक पोस्ट से गुजरती एक गाड़ी है और इसके अंदर विकास दुबे बैठा हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि आप फ्रीज करें और इस गाड़ी का नंबर देखें जो आपके स्क्रीन पर है। इस गाड़ी का नंबर है UP324485। अब मैं चाहता हूं कि आप उस गाड़ी के नंबर पर गौर करें जो पलट गई, जो बताया जा रहा था कि इसमें विकास दुबे था, गाड़ी पलट गई और उसके बाद जो है वो भागने में कामयाब रहा और उस पर गोली चलाई गई। इस पर गौर कीजिए, UP70AG3497। अब क्या इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि जिस गाड़ी में विकास दुबे जा रहा था वो गाड़ी और जो गाड़ी पलटी हुई दिखाई दे रही है, उन दोनों में कितना फर्क है? तो ऐसे में जब किसी तरह की कोई स्क्रिप्ट रची जा रही थी तो क्या आपने इस पर गौर नहीं किया? अब एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं। यहां पर सुबह 6:30 बजे पत्रकारों को रोक दिया जाता है, न सिर्फ रोक दिया जाता है बल्कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। आप देख सकते हैं यहां बैरिकेड्स लगा दी गए हैं, पत्रकारों को आगे नहीं दिया जा रहा है। क्या जानते हैं, इस वक्त समय है 6:30 बजे, 6:30 मिनट पर, और 7 बजे एनकाउंटर कर दिया जाता है विकास दुबे का। अब आप देखिए पत्रकार किस तरह से पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें आगे जाना था मगर उन्हें रोक दिया जाता है। देखिए ये कितने बजे से चल रहा है, पत्रकारों की गाड़ी ही रोकी गई है इसमें कारण? पत्रकार नहीं रोके, पत्रकारों को रोका क्यों? क्या नहीं, आप लोगों ने रोका इसलिए
कहीं ना कहीं तो आप सकते जान बूझ कर क्यों रोका गया है? क्यों प्राइवेट अभी तक प्राइवेट गाड़ियां नहीं चेक हो रही थी? रायपुर बैरियर परमानेंट चल रहा है, इसके पहले नहीं था। हम लोग कई चक्कर अभी आज यहाँ निकल चुके हैं। चेकिंग यहाँ पे प्रॉपर इसमें रायपुर बैरियर हमेशा चेकिंग होती है। स्पेशली तौर पे मीडिया को क्यों रोका गया है? रोका नहीं गया, बिल्कुल मीडिया को रोका गया है। मीडिया को रोका गया है। तो सवाल ये कि पत्रकारों को क्यों रोका गया? ऐसे में आपके सामने अब दो तथ्य सामने उभर कर आ गए हैं। पहली बात, जिस गाड़ी में विकास दुबे जा रहा था वो अलग है और जो गाड़ी पलटी हुई दिखाई दे रही है वो अलग है। इसके अलावा देखा आपने, पत्रकारों को भी रोका गया। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, इस पर गौर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जब यह शख्स पकड़ा गया था यहां पर कितनी आसानी से फोटो खिंचवा रहा है। फिर मुझे याद है उज्जैन के कलेक्टर से एक चैनल ने इंटरव्यू किया था और उज्जैन के कलेक्टर का यह कहना था कि विकास दुबे ने पुलिस को कॉल किया कि मैं यहां महाकाल में मौजूद हूं और हमने ट्रू कॉलर से पता लगाया कि वो विकास दुबे है। और अब देखिए यह वीडियो कितनी आसानी से यह गार्ड के साथ बाहर चलते हुए आ रहा है। यानी कि यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया था। कलेक्टर खुद बता रहा है नंबर वन। नंबर दो, जिस हाव भाव के साथ ये बाहर चलते हुए आ रहा है इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस ने से गिरफ्तार इस वक्त नहीं किया था, आसानी से बाहर आ रहा है। आज मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिस सहजता से शख्स दिखाई दे रहा है तो इसने तो सरेंडर किया था, तो ये भागने का प्रयास क्यों करेगा? अब एक और प्रमाण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये तस्वीरें हैं उन पुलिस वालों के साथ जो उस गाड़ी के अंदर सवार थे जो गाड़ी पलट गई है। अब यहां देखिए ये चोटिल बताए जा रहे हैं, यानी कि गाड़ी के अंदर हर कोई चोटिल था सिर्फ विकास दुबे को छोड़ के। और मैं ये भी जानना चाहता हूं, अगर ये चोटिल हैं तो ये बेहोश क्यों दिखाई दे रहे हैं? भाई आपको चोट लगी है ना, आप बेहोश क्यों हो गए हैं और वो भी इतनी देर बाद तक? तो कितने सवाल यहां पर बने हुए हैं। और मैं फिर दोहरा दूं, मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इसे यह ट्विस्ट देगा कि जो लोग इस एनकाउंटर पर सवाल कर रहे हैं उनकी सहानुभूति है गैंगस्टर विकास दुबे के साथ। नहीं साहब, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि जिस सिस्टम ने विकास दुबे को इतना ताकतवर बनाया अब उस सिस्टम पर पर्दादारी हो गई है। मुझे दिक्कत यह है, मार दिया तुमने विकास दुबे को, मगर कम से कम उससे राज तो निकलवा लेते, उसे आप ग्रिल तो करते। यह स्वर्णिम मौका था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनकी फिलॉसफी है ठोक दो की, कि आप अपने सिस्टम के अंदर जो दीमक हैं उसे साफ करें, उसे हटाएं। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके ताल्लुकात थे विकास दुबे के साथ, आप उसे एक्सपोज करते योगी आदित्यनाथ। आप एक सक्षम मुख्यमंत्री, यह आपके पास स्वर्णिम मौका था, आपने इसे कैसे गवा दिया? हम आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त राजनीतिक बवाल भी हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा है। दरअसल यह कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि खासी सक्रिय हो गई उत्तर प्रदेश में, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वालों का क्या? अहम सवाल दोनों नेता विपक्ष यहां पर उठा रहे हैं, जिसका जवाब योगी सरकार को दिया जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा ना, कल लगातार बीजेपी के नेता चिल्ला रहे थे कि विकास दुबे के समाजवादी पार्टी के साथ लिंक्स हैं, तो आज मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ लिंक्स थे तो आपको इस इंसान को जिंदा लखनऊ तक पहुंचाना था या कानपुर तक पहुंचाना था? तो मर कैसे गया ये? क्या कहना है समाजवादी पार्टी के नेता का, ये सुनते हैं। कहता हूं कि निश्चित तौर पर इसके समाजवादी पार्टी से लिंक रहे हैं। अगर ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी में, सुभाष यदुवंशी अगर समाजवादी पार्टी में हैं तो निश्चित तौर पर लिंक रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के आज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अगर वो समाजवादी पार्टी में हैं तो निश्चित तौर पर दुबे के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। आज जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या आखिर कैसे जो अपराधी कल तक खुद को अपने आप उसने सरेंडर किया, वो कैसे अचानक से भागने की कोशिश करने लगा, कैसे वो पुलिस जो उसको वहां उज्जैन से यहां तक लाई और कानपुर से सिर्फ कोर्ट नहीं पहुंचा पाई, आखिर वो कौन लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है? क्या वो सरकार के लोग हैं, क्या वो पुलिस के लोग हैं, या वो कौन बड़े लोग हैं जो इस मामले के पीछे हैं? निश्चित तौर पर जवाब तो देना ही होगा।
ये तस्वीर भी वायरल हो रही है जहां पर विकास दुबे के बेटे को इस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस बेइज्जत कर रही है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कानून में इस तरह का कोई प्रावधान है कि बाप के अपराधों की सजा बच्चे को दी जाए? कानून के अंदर मैं जानता हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात कह गए हैं कि मां बाप के अपराधों की सजा, उनकी गलतियों की सजा बच्चे भुगतते हैं, मगर ये हमारे संस्कार की एक सोच है। मगर कानून क्या इस तरह से काम करता है जिसमें आप विकास दुबे के बेटे को इस तरह से बेइज्जत करें, बताइए। और बहुत ही सुविधावादी तरीके से जितने भी लोग इस शख्स के करीब थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया है। बउआ इटावा में इसे मौत के घाट उतार दिया। प्रभात मिश्रा, इस शख्स को फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया और बाद में इसे मौत के घाट उतार दिया गया, और दोनों ही मौतें बहुत दिलचस्प थी। बउआ पांडे के बारे में यह कहा गया कि स्कॉर्पियो में सवार था और उसने एक दूसरी गाड़ी की चोरी की और जब वो भाग रहा था गाड़ी पेड़ से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। और इस तरह से प्रभात मिश्रा के बारे में कहा कि जो कार है वो पंक्चर हो गई थी और बाद में वो पिस्तौल लेके भागने लगा। आज मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे प्रभात मिश्रा की मौत हो या विकास दुबे की मौत। मैं जानता हूं कि एक अदालती फैसला था जिसने कहा था कि भाई अपराधियों को हमेशा आप हथकड़ियां ना लगाएं, मगर ये खूंखार अपराधी था। जब गाड़ी पलट गई थी, अगर मैं मान लूं उत्तर प्रदेश के पुलिस के इस थ्योरी को, अगर गाड़ी पलट गई थी तो क्या आपने इसे हथकड़ियां नहीं लगाई थी? नंबर एक। नंबर दो, जो आपका रिवॉल्वर है या आपकी जो राइफल है, क्या वो बंधी नहीं हुई थी गाड़ी के साथ? लिहाजा मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूंगा जिसके जवाब मैं उम्मीद करता हूं योगी प्रशासन देगा। सवाल नंबर एक, क्या विकास दुबे के फोन में छिपे राज सामने आएंगे? सवाल नंबर दो, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस उसके फोन की CDR सार्वजनिक करेगी, यानी कि उसके फोन में उसके किससे बातचीत हुई? और इंटेलिजेंस के जरिए आप यह भी पता लगा सकते हैं कि अगर यह घूम रहा था तो उस वक्त उसके आसपास कौन कौन से फोन्स एक्टिव थे। हो सकता है जिस फोन के जरिए उसने फोन किया होगा उज्जैन प्रशासन को, उसके साथ एक और फोन रहा होगा, और इंटेलिजेंस के जरिए हम पता लगा सकते हैं, बेशक उस फोन को उसने कहीं फेंक दिया हो, मगर यह पता लगाया जा सकता है कि फोन क्या था। सवाल नंबर तीन, जिस गाड़ी में विकास दुबे को ले जाया जा रहा था और जिस गाड़ी को पलटा हुआ दिखाया गया, उसमें फर्क आखिर क्यों है, जो मैं इस कार्यक्रम में उठा चुका हूं। मीडिया को पहले क्यों रोक दिया गया था, क्या पर्दादारी थी? क्या विकास दुबे के राजनेताओं, नौकरशाहों, पुलिस वालों के साथ लिंक्स कभी सामने आ पाएंगे? यह है लाख रुपए का सवाल, यही कहा जाए करोड़ रुपए का सवाल, लाख तो आजकल कुछ नहीं है। जी हां, इन्हीं लाखों इन्हीं करोड़ों के चलते विकास दुबे बचता आया था। उसकी जो सांठगांठ थी राजनेताओं के साथ, चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रही हो, ये बचता आया था। और आज विकास दुबे को तो तुमने मार दिया, मगर उस सिस्टम को बचा लिया जिसकी वजह से विकास दुबे या श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधियों का जन्म होता है और उन्हें सरपरस्ती मिलती है, आशीर्वाद मिलता है राजनेताओं का। तो जवाब मांगा जाएगा कि इस अंश में बस इतना ही, मगर एक दूसरे मुद्दे की मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि नेपाल सरकार ने भारतीय न्यूज चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है? नेपाल सरकार का कहना है कि भारतीय न्यूज चैनल्स में नेपाल के खिलाफ बहुत ही गंदा और घटिया प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और उसी के चलते हमने ये फैसला किया है। मगर ये फैसला भारत सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो दूरदर्शन पर भी पाबंदी लगा देते। इस फैसले के अंतर्गत दूरदर्शन पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, मगर बाकी तमाम न्यूज चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आपके स्क्रीन पर मैं इस पत्रकार के इस बयान को दिखाना चाहता हूं। ये पत्रकार, जो पत्रकारिता का नाम तिहाड़ जेल में रोशन कर चुका है, इसका कहना है कि नेपाल तो डर गया भारत के एंकर्स से, ये हमारे सेना से क्या मुकाबला करेगा। यानी कि नेपाल, जो कि एक हिंदू बाहुल देश है, अब इस सरकार के अंतर्गत गोदी मीडिया ने उसे भी अपना दुश्मन बना दिया। आप खुद से सवाल पूछिए दोस्तों, चीन और पाकिस्तान पहले से आपका दुश्मन है, चीन के खिलाफ आप तल्ख तेवर अपनाते नहीं हो, नेपाल को आपने दुश्मन बना लिया, नागरिकता बिल के चलते बांग्लादेश में हमारे खिलाफ आवाजें उठ रही हैं,
मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं है, श्रीलंका पूरी तरह से उदासीन है, हम करने का प्रयास क्या कर रहे हैं? और ऊपर से गोदी मीडिया का यह प्रोपेगेंडा, क्या आप जानते हैं कि गोदी मीडिया ने कितना घटिया प्रोपेगेंडा नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाया था जिसके कोई प्रमाण ऐसे मौजूद नहीं है? आप सुनिए यह चैनल क्या कह रहा है, आप सिर्फ इसकी आवाज सुनिए। इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया था प्रधानमंत्री नेपाल के खिलाफ। नेपाल के बुजुर्ग पीएम खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे, दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे और भारत नेपाल के संबंधों का सौदा कर लिया। नेपाल ने अपनी संसद में एक ऐसे मानचित्र को स्वीकृति दे दी है जिसके अंतर्गत भारतीय हिस्से को उसने अपना हिस्सा बता दिया है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत सरकार ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या आपने सवाल किया कि 70 सालों से जिस देश के साथ हमारे इतने स्वर्णिम और अच्छे रिश्ते थे, और ये ना भूलें ये एक हिंदू बाहुल देश है, पशुपतिनाथ मंदिर वहां पर है, और गोदी मीडिया के पत्रकार हमारी दुश्मनी करवाना चाहते हैं उनसे, क्या कभी आपने सवाल किया? आप क्या चाहते हैं कि क्या हमारे आसपास हमारे पड़ोस में ऐसा माहौल हो जाए कि हम कहीं जाने लायक ना रहें, हमारे रिश्ते ना रहें? यह सियासत का क्या स्वरूप है और यह पत्रकारिता का क्या स्वरूप है? इन सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा, जवाब मांगा जाएगा। मैं बस इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।